तो आगे जो हुक्म क्या निकला, तू शरा को पूरा कर। उसे कहा जिस शरा की तू बात करता है उसे मैंने जब से होश संभाला, जब से मैं अपनी सूरत में आया, उस शरा को मैं उस वक्त से पूरा करता आ रहा हूं। तो यीशु मसीह ने क्या किया उसके साथ, उसको चूमा, उसके साथ मोहब्बत की। हालेलुया, आप भी शरा को पूरे करते होंगे, लेकिन अभी एक हुक्म बाकी है। जब वो हुक्म निकलता है तो सब की हवा निकल जाती है साथ में, फिर कोई नहीं ठहरता, बोलता फिर ऐसे ही। तो क्या कहा यीशु मसीह ने, बिल्कुल बराबर, तूने झूठ नहीं बोला, तू पूरा करता है, तू दान भी देता है, तू दुश्मन भी देता है, तू भूखे को रोटी भी देता है, तू नंगे को कपड़ा भी देता है, तू परदेशी को ठिकाना भी देता है, तू अपने परमेश्वर को पूरे दिल पूरी जान से मोहब्बत भी करता है, परंतु तुझ में एक बात की कमी है। कौन सी कमी जी? अपना सब कुछ बेच, कंगालों को बांट दे, मेरे पीछे हो ले तो तुझे अवधि जिंदगी मिलेगी। हालेलुया, कदों मिलूंगी जी? तो साढ़े साई पादरी ते रौला पाई जाते, दसवां हिस्सा लिया आओ, दसवां हिस्सा लिया आओ, दसवां हिस्सा लिया आओ। तो इस पाक राम के अनुसार ओल्ड टेस्टमेंट में जो दसवां हिस्सा नहीं देता था वो गुनहगार ठहरता था, और न्यू टेस्टमेंट के अनुसार जो दसवां हिस्सा देकर जान छुड़ाता है वो गुनहगार ठहरता है। और रेफरेंस चाहिए तो लिखा रसूलों के किताब में, जिन्होंने ईमान लाए 3000 लोग पत्रस को सुनकर ईमान लाए, और लिखा उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को बेचा और लाकर रसूलों के चरणों पर। यदि अब दसवें हिस्से की बात होती तो उन्होंने दसवां ही देना था, बेचकर 90% अपने पास रखना था, लेकिन क्या निकला, सब कुछ बेच डाला और लाकर रसूलों के कदमों पर रख दिया। और अब हमारे प्रचारकों को तो ये भी नहीं पता, पुरानी शरीयत के बारे में लिखा जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा तो सारी शरीयत को उसने सलीब पर कीलों के साथ ठोक डाला, सारी शरीयत को सलीब पर ही चढ़ा दिया, और उस शरीयत के कारण जो पर्दा था जैसे ही उसकी जान निकली, निका हैकल का पर्दा जो था बीच में से। अब नया जन्म पाए हुए इंसान के ऊपर प्राणी शरा का कोई भी बस नहीं, प्राणी शरा का कोई भी हुक्म नए जन्म पाए हुए किसी भी इंसान पर लागू नहीं होता। लेकिन अफसोस है कि लोगों को भी ज्ञान मिला ही नहीं, तो बिना ज्ञान के यदि वो कहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे तो वो झूठ नहीं कहते, जितना पता है उतना ही वो कह रहे हैं, उतना ही उनको पता है जितना वो कह रहे हैं। जो जीत हासिल करेगा, जो गालिब आएगा, उसको कहा तू गालिब आ, तो क्या किया, रात को खुदावंद खुदा ने बात की। तो आज का विश्वासी होता तो क्या करता जी, मेरे लगता भुलेखा पे आया, लगता खुदा ने नहीं गल की होनी, चेक करते हैं दोबारा, शायद शैतान ही ना कर गया हो। जो अपने आप तो गलों गले मान लोना सारा काम ही शैतान देते, वो भी बेचारा परेशान हो गया, कहना जो भी बुरा काम है सारा मेरे उत्थे पाई जाते हैं, मैं एड्डा बदनाम भी नहीं हाँ, मैं तो अपनी मर्जी ना कुछ कर भी नहीं सकता, तेरा परमेश्वर मैं इजाजत देता, मैं तेरे को ना इजाजत तो बिना तो मैं तेरे बाग में भी छू नहीं सकता, तो तू मैनू ही बदनाम कर दे। सारा दोष होते तो छोटे छोटे ठीक है भी तेरा ही काम है। अब्राहम भी इधर ना सोच सकता से, आज के विश्वासी ने यही सोचना चेक कर लीए दो बारे होर देख लीए, वही सी तू आवाज कितने होर तो नहीं आ गई, इन्होंने का हिसाब भी इदा का, जो शैतान गल करता उदो कहते परमेश्वर ने की है, तो जो परमेश्वर करता उदो कहते शैतान ने की होनी है, पता नहीं लगा आवाज की भी पहचान नहीं। इसलिए यीशु मसीह क्लीयर कर गया, कहने लगा कि मेरी बेटे मेरी आवाज को पहचानती हैं, मैं उन्हें नाम लेकर बुलाता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चली आती है।
तो बेटों को भी यीशु मसीह की आवाज की भी पहचान नहीं कि यीशु बात कर रहा है जहां एंटी यीशु बात कर रहा है। तो क्या लिखा, मेरी बेटे मेरी आवाज को पहचानती। अब्राहम को कहा तू ऐसा कर, रात को दर्शन हुआ, सुबह का सूरज भी नहीं निकलने दिया। क्या किया जी, सुबह का सूरज भी निकलने नहीं दिया, पत्नी सोई हुई है उसे भी नहीं बताया। हालेलुया, इतने तो जानिए झगड़ा करें, मेरे पूछे तो बिना किता दस दी, तू मेरा पति नहीं, जो मेरा पति होता मुझे जरूर दसदा, जिन तो मेरा पति होता मेरे साथ जरूर सलाह करता, मशवरा करता, मुझे बताता तूने क्या करना है, फिर मैं तुझे इजाजत देती तो तब तू करता। लेकिन ये अब्राहम कैसा है, इसने पत्नी को जगने भी नहीं दिया, वो सोई पड़ी है, इसलिए नहीं जगाया, उसे पता था ये पत्नी है मेरा भी पतन कर देगी। धर्म पत्नी हो तो धर्म के रास्ते पर ले जाएगी, सिर्फ पत्नी हो तो फिर पतन कर देगी, उसे पता था इसलिए उसने बताया ही नहीं, उसको सोई हुई को जगाया नहीं, बोलता इधर ही रह तू, सोई रह तू, तो मुझे पता है तू मेरे रास्ते का रोड़ा है बनेगी, मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में तू जरूर रुकावट डालेगी, इसलिए उसे भी नहीं बताया। फिर नौकरों को साथ लेकर गया, जब पहाड़ी के ऊपर चढ़ना था उन्हें भी बोला तुम भी यहीं पर टिको, हर एक वो दीवार को वो गिराता गया जो उसके और उसके परमेश्वर के प्रेम में खड़ी हो सकती। हम कहते हैं हमने परमेश्वर ने प्रेम किया, जगत से इसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, हमने अभी प्रेम नहीं किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया। हम तो थोड़ा बहुत चंदा थोड़ा बहुत दसवंध लेकर ही अपने आप को बड़े धर्मी कहते हैं, अभी कुछ नहीं दिया, अभी तो बेटा देना बाकी है। तो बेटा देना दूर, हम तो बेटा मांगने के लिए आते हैं यीशु के पास के बेटा दे दे, तो खुदा है ले लेगा, फिर कहेगा खुदा, फिर तो बाकी भी है, यदि देगा तो खुदा है, शर्त रखते हैं खुदा के आगे। और वो कहता है बेवकूफ आदमी तुझे पता ही नहीं है मैं तुझे क्या देने वाला हूं, जब तुझे पता चलेगा कि मैं तुझे क्या देने वाला हूं तब तू बेटा मांगेगा नहीं, बेटा कुर्बान गा पर लिटा देगा। इसलिए जिन्होंने उस दर्शन को देख लिया उन्हें इस जहान का दर्शन फिर अच्छा नहीं लगा, उन्होंने फिर फैसला कर लिया मैं उस जलाल में प्रवेश करूंगा जिसकी योजना उसने इस जमीन को बनाने से पहले मेरे लिए तैयार कर चुकी थी। जो जय पाएगा जो गाली पाएगा उसे मैं जीवन का ताज दूंगा, उसे मैं उस दरख्त से खाने की इजाजत दूंगा। हालेलुया। तो आइए अगली वर्ष पढ़ते हैं पहला पुलिसियों का खात उसका एक अध्याय उसकी 9-10 वर्ष जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा विचार करके दुआ करेंगे। यस, चैप्टर फर्स्ट वर्स 9 और 10 गौर से सुनना जी, ये आपके जीवन को बदलने के लिए है। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है कि हम भी तुम्हारे वास्ते दुआ करने और विश्वास करने के बाद करने से बाहर नहीं आते। जस्ट रुकेंगे जी, जिस दिन से हमने ये सुना उस दिन से हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने से नहीं रुक रहे। जिस दिन से कब से जी, जिस दिन से तुम्हारे विषय में सुना, जिस दिन से तुम्हारे ईमान के विषय में सुना, जिस दिन से तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे प्रेम के विषय में सुना, उस दिन से हमारे दिल में ऐसा आया कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करने से अपने आप को रोक नहीं पाते। तो यहाँ तो ये होता है हर संडे आते हैं पश्चिम वाली दुआ करना, पश्चिम वाली दुआ में अपने आप अपनी दुआ में उनको याद रखना, ऐसा बोला क्यों कहते हैं, कभी सुना है आपने, कभी सोचा है क्यों कहना पड़ता है हर संडे आके पास्टर को कि पास्टर जी अपनी दुआ में मेरे को याद रखना। कुछ ऐसा करो खादिम के दिल पर लिखी जाए, कुछ ऐसा करो उसकी दिल की तख्ती के ऊपर लिखे जाओ, जब वो सांस ले तो आपका नाम आया नहीं। कुछ ऐसा करो, इन्होंने अपने उस्ताद के दिल को इतना खुश किया, इतना राजी किया कि बोलता है जिस दिन से तुम्हारे विषय में सुना हम रोक नहीं पाते अपने आप को तुम्हारे लिए दुआ करने से, अंदर से दुआ निकल
की एक दुआ वैसे पानी का तो हाथ रख के दुआ कर देते हैं, आप भी तुम्हारे चले जाएंगे। ये दुआएं कभी भी बीमारी को जिंदा नहीं करती। दुआ जो दिल से उठेगी वो सीधी उसके हजूर पहुंचेगी। आजकल दुआ यहां से होती है, शरारती दिमाग से। पहले पहले जब हम बाइबल पढ़ते थे तो लिखा दिल सपना चीजें तो धोखे बाहर है, असि सोचते शायद इस दिल की गल करते, इंग्लिश में पढ़ा तो लिखा माइंड। तो फिर मेरे को पता चला कि फिर पढ़े लिखे नहीं ना इतना, तो फिर पता चला नहीं दिल की बात नहीं की गई वहां पर तो शरारती माइंड की बात की गई। तो आज जो कलाम सुनाया जाता है वह यहां से सुनाया जाता है, यहां से नहीं। आपकी जेब के ऊपर नजर है, आपकी जिंदगी के ऊपर नजर नहीं। आपके दान दसवंध के ऊपर नजर है, आप स्वर्ग में पहुंचो इस बात के लिए कोई टेंशन नहीं। और उस कहता है जब से सुना तब से दिल की गहराइयों से आपके लिए दुआ निकलती है। आप उन्हें कहने की जरूरत नहीं, अपने आप को फादर के आगे इस डर से पेश करो, इतनी हलीमी से इतनी संजीदगी से पेश करो, आपको कहना ना पड़े, उसकी जुम्मे वाली बन जाती है। लिखा दो पत्थर जो थे हारून के कंधों के ऊपर, इसराइल के छह गोत्रों का नाम एक पर और छह गोत्रों का नाम दूसरे पर। अब उसको बार बार बाकी लोगों के लिए नहीं, जब वो 12 लोगों के उन 12 गोत्रों के लिए दुआ करता था तो हर जन का नाम बीच में शामिल हो जाता था। इस ढंग से आप लिखे जाओ खादिम के दिल पर, आपको कहना ना पड़े, उसकी जुम्मेवारी बन जाए, खुदावन खुदा ने ये मुझे दिए हैं। और यीशु मसीह ने कहा ऐ बाप जो तूने मुझे दिए हैं उनमें से मैंने किसी एक को भी नाश होने नहीं दिया सिवाय उसके जिसे तूने नाश होने के लिए ही बनाया था। ये खादिम की जुम्मेवारी बनती है। हालेलुया। इसलिए हम दुआ करने से बाद नहीं आते। आगे पढ़ेंगे और हीरो लाइन क्या लिखी है, और कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ, उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। किसकी मर्जी से जी? उसकी मर्जी से। तो हम यहां पर क्या लेने आते हैं, क्या लेकर आते हैं? हम तो अपनी मर्जी को लेकर आते हैं। तो ये क्या कहता है, अब जब के तुम्हारे विषय में इतना सुन लिया है तो मेरी ये दिली इच्छा है कि तुम उसकी मर्जी से पूरी तरह वाकिफ हो जाओ कि उसकी मर्जी क्या है। तो हमने तो कभी उसकी मर्जी को जानने की कोशिश की ही नहीं। किसी बहुत जबरदस्त किसी खुदा के बंदे ने एक जबरदस्त बात कही। उसने कहा कि यीशु मसीह की मौत सलीब पर नहीं हुई थी, यीशु मसीह की मौत तो